दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गोली मारने की धमकी मिलने पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने उस शख्स की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाला शख्स मुंडिका का रहने वाला है। उसका नाम जयप्रकाश है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोमवार की रात 12:05 पर PCR कॉल कर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसकी शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक आरोपी को कुछ ही समय में दबोच लिया गया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। इससे पहले भी केजरीवाल को 2019 में बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। केजरीवाल के ऑफिस में गुमनाम मेल ID से 2 धमकी भरे ईमेल आए थे। इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस ईमेल के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया था। वहीं पिछले साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर सामने आई थी। दिल्ली के डिप्टी CM ने बताया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने केजरीवाल के घर पर हमला कर CCTV कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए थे। साथ ही गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया था। सिसोदिया ने इस पूरे हमले को लेकर BJP पर निशाना भी साधा था। हालांकि आज आई गोली मारने की धमकी के बाद CM केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। नौबहार।